अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बेक्ड लेग पीस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरीके से ये लेग पीस बहुत अच्छे बनते हैं। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें बगैर स्किप किए, ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्याली दही, 2 टेबलस्पून तिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट और 2 टेबलस्पून सिरका। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके लेग पीसेस पर अच्छे से लगा लें। मसाला लगाने से पहले लेग पीसेस पर कट लगा दें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है, ताकि अंदर तक अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। इसे मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अगर आपको उसी दिन ही बनाना है तो 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन भी काफ़ी होगी। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उन्हें इस तरह से काट लें, जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर इस पर हसबे जायका नमक, ओरिगानो लीव और ऑयल लगाकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इन आलूओं को लेग पीसेस के साथ डिश में लगाकर बेक कर लें। अब इस पे एल्युमिनियम फाइल लगा देंगे और इसे बेक कर लेंगे। ओवन में हम नीचे से बेक करेंगे इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इस दौरान हम चेक करते रहेंगे और फ्लेम मीडियम टू लो होगा। लेग पीसेस हमारे बेक हो गए हैं, ये अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसे ऊपर वाली ग्रिल ऑन करके लाइट गोल्डन कलर आने तक बेक कर लेंगे। लेग पीसेस पर गोल्डन कलर आ गया ऊपर से। अब हम इस पर सेसमी सीड्स डालेंगे और बटर लगाएंगे। ब्लू बैंड भी यूज कर सकते हैं या कोई भी बटर यूज कर सकते हैं आप लोग। फिर हम इसे साबुत हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।